तो आज 6th of January 2023। तो गाइस आज की डेट में जोजले का अपडेट ये है, जोजला जो है एकदम क्लियर है और रास्ता बिल्कुल साफ है। तो अभी हम जोजले में ही चल रहे हैं, तो अभी ही छोड़ा है ट्रैफिक वालों ने, क्योंकि थोड़ा जो एम्बुलेंस का जो एरिया है वहाँ पे थोड़ा एम्बुलेंस आया हुआ था, तो उसको साफ किया। तो साफ करने के बाद ही छोड़ा है हमें। तो हम अभी तक थे 100 नंबर में। तो ये रहा आज का जोजिला का अपडेट 6th of January। सो गाइस कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना इस टाइम पे जोजिला जो है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल। ऊंची ऊंची जो पहाड़ की चोटी है, बर्फीली पहाड़ है, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा यहाँ का इस टाइम पे, बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत नज़ारा। ये जो जोजिला जो है लद्दाख को कनेक्ट करता है जम्मू कश्मीर के साथ। तो जब तक हमारा जो है जोजिला टनल जो है कंप्लीट नहीं होता, तब तक हमें इसी रूट पे ही चलना है। सो गाइस इसके आगे आप लोग देख लीजिए कि रास्ता कैसा है, तो आपको साफ साफ पता चलेगा इस टाइम पे आपको जो है अगर कहीं आना जाना हो तो। बट एक चीज़ आपको पहले 112 पे डायल करके आपने पूछना है कि रोड कंडीशन, तभी आपको निकलना है। उससे पहले बिना इन्फॉर्मेशन के आपको नहीं निकलना है। मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो है मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि इस साल जो है इस टाइम पे भी जुजला ओपन है और हमारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिकन विजया जो सारा मेहनत करते हैं इस रोड के लिए और हमारे जो है इस रूट को थ्रू रखने के लिए बहुत ही कोशिश करते हैं। हम दिल से उनको अप्रिशिएट करते हैं कि बिकन और विजया, उनको दिल से अप्रिशिएट करते हैं। और हमारे जो है इंडियन आर्मी के जवान जो इस ठंड में भी लगभग इस टाइम पे मेहनत कम से कम 2023 तक है इस एरिया में, सो अभी भी वो लोग यहाँ पे तैनात है लोगों के सेफ्टी के लिए। और बट यहाँ पे आपको जो एक रास्ता जो है क्लियर नज़र आ रहा होगा गाइस, ये जो को साफ नज़र आ रहा होगा, बट एक्चुअली क्या है, ये रात को जो पानी चलता है उसके ऊपर कोहरा जम जाता है, तो ठंड की वजह से सुबह कोहरा जम जाता है। तो उसके बाद सुबह जो हवा चलती है उसकी वजह से जो बर्फ़ होता है जो रोड पे गिरता है, सो इसी की वजह से गाड़ियां जो है ज़्यादा स्कीड करती है। अभी आपने देखा गाइस ये जो गाड़ी आगे वाला हल्की सी स्कीड जो है इसने इसको हुआ है। सो गाइस ये देख लीजिए, ये है स्लाइडी एवलेंच के एरिया, अभी इसको साफ किया है, आगे और भी है बट आपको रास्ता साफ नज़र नहीं आ रहा होगा। साफ नहीं है, कोहरा जमा हुआ है, उसके ऊपर जो है जो हवा की वजह से जो बर्फ़ गिरा है, बर्फ़ आया है इसी के ऊपर ये स्कीड करता है, ज़्यादातर गाड़ियाँ इसी के ऊपर स्कीड करता है। अभी जो मेन जगह आगे है गाइस, तो वहाँ पे अभी ट्रैफिक जाम हुआ है क्योंकि वो बड़ा एरिया है, एम्बुलेंस वाला बड़ा एरिया है, तो वहीं पे ही ये सारा दिक्कत जो है उसी पे होता है। ये देख लीजिए गाइस, बट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ना इस टाइम पे, बहुत ही इसका जो नज़ारा जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही बेहतरीन ऑसम। ये देखो, ये देखिए गाइस, बहुत ही बेहतरीन। तो गाइस अभी यहाँ पे ट्रैफिक जाम हुआ है, तो अभी टाइम लगेगा
एक एक गाड़ियाँ, शायद एक एक गाड़ियाँ करके निकलेगी, क्योंकि आगे जो है थोड़ा बहुत जो है नाला जैसा है, तो उसमें क्या होता है, एक्चुअली उसमें पानी चलता है, तो पानी की वजह से जो है नाला जो है पूरा, मतलब इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो लोग अभी तक इस ठंड में भी लोगों का साथ दे रहे हैं। गाइस आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा, ये एक एक करके गाड़ियाँ निकल रही, ये एक एक करके गाड़ियाँ निकल रही है गाइस, देखो। और एक चीज़ गाइस ये देख लीजिए, आप लोगों को ये जो रूट है नीचे से, ये जो बर्फीली जो ऊंची ऊंची पहाड़ है, उसके बीच में से जो नाला जाता है वो है अमरनाथ यात्रा का जो है रूट, वहाँ से निकलता है। बट इस टाइम पे जो पहाड़ देखो, माय गॉड, बड़ा ही प्यारा लग रहा है ना गाइस, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपको अभी तक जो जाम हो रहा था ना, वो आपको अभी मैं लाइव जो आपको दिखा रहा हूँ, ये जो जाम है ना, ये बड़ा ही जो है एवलेंच एरिया है, बड़ा एवलेंच एरिया है ये देखिए गाइस। सो हमारे जो बीआरओ के जो बंदे हैं तो साथ में बैठे हुए गाइड कर रहा है ड्राइवरों को, सो यहाँ से लेके जाओ, वहाँ से लेके जाओ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा है गाइस। वो देख लीजिए गाड़ियाँ वहाँ पे स्कीड होती है। सो ये जो है ना, ये बहुत बहुत बड़ा नाला है। तो यहाँ पे ये देखिए गाइस, एक जो बर्फ़ वाइट वाइट कलर का है, और जो भी है सो जो पहले स्लाइडिंग हुआ है उसके ऊपर मट्टी चढ़ा है, तो आपको ब्लैक ही लग रहा है। सो ऊपर जो आपको वाइट वाइट कलर का जो बिल्कुल बर्फ़ जो दिख रहा है ना, वो फ्रेश है, तो आज सुबह ही हुआ है शायद एवलेंच, लगता है ऐसे ही है क्योंकि उसी के ऊपर ही आया हुआ है वो सारा। तो शुक्र है गाइस कि मतलब इतना नीचे नहीं आया है। सो अभी ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये देखिए गाइस, ये देखिए गाड़ी यहाँ से ऐसे ही निकल रही है, ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस। सो गाड़ियाँ ज़्यादातर यहीं पे ही स्कीड हो रहा है, ये देखिए। और बीआरओ वालों का जो बड़ा जो स्नो जो हटाने वाले जो ट्रक होते हैं, वो यहाँ पे खड़ी है और तैयार बैठी है ताकि कहीं एवलंच ना हो। तो गाइस इसी की वजह से सारा जो है जाम जो है इसी की वजह से ही हो रहा था, डायरेक्ट चेन बांध लेता है। और हमारे जो ड्राइवरों को जो है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो गाइस किसी भी रूट में जो जाते हैं, कोई भी रूट हो, तो हमारे जो कारगिल के जो ज़्यादातर ड्राइवर है, जो बहुत ही एक्सपीरियंस ड्राइवर है, एक से बढ़कर एक। सो गाइस आपको अगर कहीं घूमना हो और अगर आगे पीछे निकलना हो, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो हमारे कारगिल के ड्राइवर जो होते हैं, वो बड़े ही मतलब एक्सपीरियंसबल होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, चलती नहीं है क्योंकि बर्फ़ की वजह से स्कीड ज़्यादा होती है। तो हमारे जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो बड़े ही एक्सपीरियंस है, तो विंटर में भी आगे पीछे लोगों को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ लाना बड़ा ही अप्रिशिएट है कि इस टाइम पे भी बर्फ़ के ऊपर भी चलाना कोई आम बात नहीं है गाइस, क्योंकि जो है गाड़ियाँ जो है बर्फ़ पे ज़्यादातर स्कीड करती है, तो कंट्रोल सारा कुछ ड्राइवर के ऊपर डिपेंड होता है कि ड्राइवर कैसे कंट्रोल करता है होगा। बट हम अभी चल रहे तो गाड़ियाँ वहाँ से वहाँ धक्के खा रही है, यहाँ से वहाँ धक्के खा रही है, क्योंकि जो है ना जो बर्फ़ है उस पर स्कीड हो रहा है। तो गाइस आप लोगों को अभी पता नहीं लग रहा होगा, ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये इंडिया गेट है गाइस। सो ये जो पहाड़ है ये एकदम पहले इंडिया गेट की तरह ही लगता था, बाद में ये टूट गया गाइस। ये पहले इंडिया गेट की ही तरह लगता था क्योंकि जोड़ा हुआ था, तो ये बाद में निकल गया था। सो ये देख लीजिए गाइस, यहाँ से लद्दाख स्टार्ट होता है, और सॉरी गाइस अभी है 1-2 किलोमीटर, उसके बाद यहाँ से जो है लद्दाख स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। सो गाइस इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और कमेंट भी कर देना कि अभी आप कभी लद्दाख में आए हो या नहीं, और अपना एक्सपीरियंस अगर आप लेना चाहते हो तो ज़्यादातर जो हमारे बाइकर्स आते हैं, बाइकर्स भाई लोग, आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस, या आप लोग इस टाइम पे इस चीज़ का एक्सपीरियंस ना करिए, क्योंकि इस टाइम पे जो है ये बहुत ही बड़ा कोहरा जम जाता है तो बाइक बिल्कुल चल ही नहीं पाता है। तो आपको अक्टूबर तक तय, अक्टूबर तक, मई से अक्टूबर तक आप लोगों को जो बाइक राइड का जो एक्सपीरियंस करना है जोजले में, वो है बेहतरीन टाइम आपको मई से लेके अक्टूबर तक, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग है। सो इस चीज़ पे, इस टाइम पे अगर आप लोगों को व्हीकल अगर लेके आना है, फोर व्हीलर जो व्हीकल आपको लेके आना है जोजले के एक्सपीरियंस के लिए, तो बट अभी भी सही है ये टाइम, बट इतना इशू नहीं होता है। तो हमारे सारे जो पुलिस कर्मचारी है हेल्प के लिए बैठे होते हैं, यहाँ वहाँ काफ़ी हेल्प कर लेता है गाइस। तो हमारे जो लद्दाख पुलिस है उनका हम अप्रिशिएट करते हैं, उनको हम दिल से थैंक्स कहते हैं कि पब्लिक के साथ एकजुट, या पब्लिक का इतना साथ दे रहे हैं ये लोग, पब्लिक के साथ हेल्पिंग जो है, पुलिस वालों का जो हेल्पिंग नेचर है वो बहुत ही बेहतरीन है। इस टाइम पे ज़्यादातर पुलिस वालों का ही हेल्पिंग नेचर जो है देखने को मिलता है कि भाई ये सारा जो है बर्फ हटाना, ये काम करना और काम करवाना लोग, ये सारा जो है हमारे लद्दाख पुलिस ही संभालता है। सो हमारे लद्दाख पुलिस जो है इनको हम अपने दिल से अप्रिशिएट करते हैं। ये देखिएगा ये जो हवाएं चल रहे हैं ना, इसी की वजह से बर्फ़ जो है रोड पे आ जाते हैं। ये देख लीजिए, ये जमा हुआ है बर्फ़, ये बर्फ़ जमा हुआ है, ये कल जब मैं ट्रेवल कर रहा था तो ये सारा खाली था, अब हवा की वजह से। ये देखिएगा आप लोगों को साफ साफ नज़र आ रहा होगा, ये देख लीजिए, ये है जोजला की कहानी। कितना ही प्यारा लग रहा है ना गाइस, कितना ही प्यारा लग रहा है। ओ माय गॉड। सो ओके गाइस, थैंक यू एंड लव यू ऑल। और इस चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कमेंट करना ना भूलिए, लाइक कर लीजिए और अपना प्यार दिखाइए। एंड लव यू ऑल गाइस, लव यू।